हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं करण सेठी जी, उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और उन्होंने मतलब इस जर्नी से रिलेटेड, और वो काफ़ी कन्फ्यूज हैं इस जर्नी को लेकर। और मेरा एक छोटी मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि उनकी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकूँ, ताकि वो अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करके इस जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो उनका पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अवेकनिंग के बाद, यानी कि जो ट्विन फ्लेम सोल हैं, अगर अवेकनिंग के बाद उनका रीयूनियन नहीं होता अपने ट्विन के साथ, तो क्या वो डिप्रेशन में जा सकते हैं या वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर सकते हैं। मतलब इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा है। तो आप सबको मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले तो आप ये समझिए कि अवेकनिंग कहते किसको हैं, अवेकन कहते किसको हैं, ठीक है। अवेकनिंग का अर्थ होता है अपने प्रति जागृत हो जाना, अपनी सोल के प्रति जागृत हो जाना, अपनी लाइफ के प्रति जागृत हो जाना, अपनी जर्नी के प्रति अवेकन हो जाना, ठीक है। और जो अवेकन पर्सन होते हैं, यानी कि जो अवेकन सोल होती हैं, उनका जो सोचने और समझने का नज़रिया होता है अपने आप को, अपनी जर्नी को, या अपने रिलेशन को, या अपनी अपने साथ जुड़ी हुई हर चीज़ को, उनका जो देखने का नज़रिया है ना, वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। जो अवेकन पर्सन होते हैं वो हर चीज़ को नेगेटिव नज़रिए से नहीं बल्कि पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो रहा हो, तब भी वो पॉजिटिव नज़रिए से ही उसको चीज़ को लेते हैं। अगर उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तब भी वो उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। यानी कि उनकी जो सोचने और समझने का नज़रिया है ना उस चीज़ को, वो उसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका होता है। और जो अवेकन पर्सन होते हैं, ठीक है, अगर उनकी लाइफ में कोई काउंटर पार्ट है या नहीं है, चाहे उनके साथ रीयूनियन है या नहीं है, हो रहा है या चाहे नहीं हो रहा है, वो इसको भी पॉजिटिव नज़रिए से ही देखेंगे। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्विन फ्लेम सोल का अवेकनिंग होने के बाद भी अगर उनका रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, तो क्योंकि वो अवेकन हो चुके हैं अपने पर्सन के प्रति भी, अपनी जर्नी के प्रति भी, तो वो इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। वो उसको भी पॉजिटिव नज़रिए से ही देखेंगे कि अगर हमारा रीयूनियन नहीं हो पा रहा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही है, इसमें भी अभी हमारे शायद इसी में अभी हमारी भलाई है, या डिवाइन अभी शायद अभी हमारा डिवाइन टाइम नहीं आया है, जब डिवाइन टाइम आएगा तब हो जाएगा। यानी कि वो हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, नेगेटिव नज़रिए से नहीं देखते हैं। ये जो डिप्रेशन वाला नज़रिया ले रहे हो आप कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं या सुसाइड कर सकते हैं, ये तब तक बंदा सोचता है जब तक वो अवेकन नहीं होता अपने प्रति, अपनी जर्नी के प्रति और अपने काउंटर पार्ट के प्रति। लेकिन जिस दिन वो अवेकन हो जाता है, ये सुसाइड, डिप्रेशन, या नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थाट, ये सब उसकी जो सोच की डिक्शनरी है उसमें से ये वर्ड खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो उनकी जो सोच है वो इतनी ऊंची हो जाती है कि ये चीजें उनकी लाइफ से ही खत्म हो जाती हैं, कि वो इतने अवेकन हो जाते हैं अपने प्रति, अपने सोलमेट के प्रति, अपने ट्विन के प्रति, अपनी जर्नी के प्रति, अपने सोल के प्रति, अपनी लाइफ के जितने भी उनके साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं उनके प्रति। तो उनकी लाइफ में नेगेटिव सोच आना तो खत्म ही हो जाती है। वो हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, चाहे सॉरी पॉजिटिव लेते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब ये होता है, जो बंदा अवेकन है, अगर वो अपने आप को अवेकन सोच समझ रहा है कि मैं तो अवेकन हूँ, और वो फिर डिप्रेशन में भी जा रहा है और वो सुसाइड करने के बारे में भी सोच रहा है, तो इट मीन्स वो अवेकन नहीं है। ना तो वो अपने जर्नी के प्रति अवेकन है, क्योंकि उसको अभी तक समझ ही में नहीं आया कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये क्या है, ये मोक्ष की जर्नी है, वो क्या है, डिवाइन क्या है, वो खुद क्या है, ठीक है। वो अवेकन नहीं है। अवेकन बंदा जो होएगा वो अपने प्रति भी जागृत होएगा, अपने काउंटर पार्ट के प्रति भी जागृत होएगा, वो अपनी जर्नी के प्रति भी जागृत होएगा, और अपने जो उसका जो सोल मिशन है उसके प्रति भी जागृत होएगा, और जो उसके अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो खत्म ही हो जाएंगी, वो वर्ड ही खत्म हो जाएगा, ये डिप्रेशन, नेगेटिव थाट, ये वो सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि क्या इस जर्नी में हर टाइम मेडिटेशन ही करते रहना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन हर टाइम करना ये ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है कि आप अपने आप को शांत करते हैं एक टाइम पर बैठ कर, ठीक है। ये भी कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि आपने इतने घंटे ही बैठना है या इतने मिनट ही बैठना है। जब तक आपका दिल करता है आप तब तक मेडिटेशन कीजिए। जैसे ही आपका दिल करे कि बस अब उठना है तो उठ जाइए, ठीक है। ये हमारी होती है हमारे अंतरात्मा की शांति के लिए,
ठीक है। जब ये शांति होती है तो हम अपनी जो लाइफ है उसको पॉजिटिव नज़रिए से जीना शुरू कर देते हैं। तो मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है, लेकिन हर टाइम मेडिटेशन करना, आप अपनी लाइफ से कट ऑफ हो जाना, अपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कट ऑफ हो जाना, नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। आपने अपनी जो जो लाइफ है आपको उसको प्रैक्टिकल जीना है, उसको उस पर वर्क करना है। आप जो अपनी लाइफ में जो रूटीन में काम करते हो उसको बड़ी शिद्दत से निभाना है, लेकिन पॉजिटिव नज़रिए से, ठीक है। मेडिटेशन नहीं करना, सबसे कट ऑफ होकर नहीं बैठ जाना, सबसे बिल्कुल अलग होकर बैठ कर ये मेडिटेशन करते रहना, ये बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन है एक हद, एक टाइम के लिए, यानी कि आपने अपनी अंतरात्मा को कुछ शांत करना है, प्रभु के साथ जुड़ना है उस टाइम। वो आप 15 मिनट भी कर सकते हो, 20 मिनट भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। और आपके जो रूटीन के जो काम हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप जो करते हो उसको भी साथ साथ में करना है, लेकिन पॉजिटिव नज़रिए के साथ। और पॉजिटिव नज़रिया तभी आएगा जब आप अंदर से शांत होगे, ठीक है। और अंदर शांति पाने के लिए आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप माला जपो या कुछ जप करो या कोई मंत्र जाप करो, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप भजन लगाकर कुछ सुनते हो और साथ साथ में कार्य करते जाते हो, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके पास मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं है, आप जो जपा जप है, जो कुछ भी आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, जो कुछ सुनते हो, आप उसको सुनते सुनते भी काम कर सकते हो और काम करते करते भी सुन सकते हो, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वो एक कोने में टाइम निकाल कर कुछ बैठ कर आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है वो ये था कि अगर जो ट्विन फ्लेम सोल एक हैं तो ये अलग अलग अपने आप पर इनर वर्क क्यों करती हैं? तो अगर ये एक हैं तो एक होकर ये अपना इनर वर्क भी कर सकती हैं, और अगर ये शिव एक दूसरे की शक्ति हैं तो अगर पहले शक्ति से मिलें तो उसके बाद ही अपना इनर वर्क क्यों कम्प्लीट नहीं कर सकती? तो देखिए करण जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपको ना सबसे पहले इस जर्नी को समझना होगा कि ये जर्नी है क्या, ठीक है। इसके भी मैंने बहुत सारे एपिसोड बना रखे हैं। और दूसरा, आप ना, मैंने देखा है कि आप मतलब आप जैसे जैसे वीडियोस देखते हो, अलग अलग वीडियोस देखते हो, और उन्हीं को उनके अलग हर वीडियो का अपना अपना नज़रिया है, तो आप हर एक के नज़रिए को अपने ऊपर लाद रहे हो और कन्फ्यूज़ हो रहे हो। तो आपने किसी का वीडियो देख कर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको जो बात उसकी अच्छी लग रही है उसको कैच कर लो, जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही उसको आप छोड़ दो, ठीक है। इस जर्नी में कन्फ्यूज़न के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। आपको अगर देखिए, आप, मैं तो ये बोलूँगी कि आपको ना अगर किसी के वीडियो से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, मतलब मान लीजिए आपको मेरा वीडियो देखा आपने, आपको मेरे वीडियो से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है आगे अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, तो आप छोड़ दो उसको देखना। आपको पता चल गया कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो सिर्फ आप अपने आप पर इनर वर्क करो, क्योंकि ये एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन आपको खुद ब खुद गाइड करेंगे। मेरे गाइड करने से या किसी अदर पर्सन के गाइड करने से ये जर्नी आपकी चलने वाली नहीं है, ठीक है। मैं सभी को बोल रही हूँ ये बात, ये सिर्फ अकेले करण जी को नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी को बोल रही हूँ जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कि आप जितने वीडियोस देखते हो आप उन सबको देखकर आप कंफ्यूज होते हो। अगर इस तरह से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सभी के वीडियो देखना बंद करो। आपको पता चल गया कि आप एक ट्विन फ्लेम हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि ये जर्नी एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है और ये एक जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है। तो इसमें डिवाइन आपको खुद ब खुद गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे वीडियोस देखकर आप आगे बढ़ोगे, बिल्कुल गलत है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे वीडियोस देख के उनको फॉलो करके आप अपनी जर्नी में अपने डीएम या डीएफ के साथ रीयूनाइट हो पाओगे, तो ये भी टोटली गलत है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये आपकी खुद की जर्नी है, ये जो आपकी लड़ाई है खुद से खुद की लड़ाई है, खुद से खुद पर जीत हासिल करने की लड़ाई है, और ये सब आप खुद ने खुद पर करना है। किसी के मैंने नहीं करना या किसी और ने नहीं करना, आपने खुद ही खुद पर इनर वर्क करना है, जिसके रिजल्ट आपको खुद की लाइफ में नज़र आएंगे। और जब आपको रिजल्ट नज़र आएंगे उसके लिए आपको गाइड भी किया जाएगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ो, किस तरह से नहीं बढ़ो, और आप खुद ही इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे, और आप खुद ही अपने खुद के काउंटर पार्ट के साथ रीयूनाइट होगे अपनी खुद के किए हुए इनर वर्क की वजह से, ठीक है। ये टोटली आपकी जर्नी है, किसी और की नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो मेरे वीडियो देखकर या जिस तरह मैं कह रही हूँ आप उनको फॉलो कर रीयूनाइट होगे या आपका रीयूनियन पक्का है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ों से आप बाहर निकलिए। हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो आप सुनो, अगर आपको नहीं सही लग रहा तो आप छोड़ दो,
ठीक है, अपने तरीके से करो जो आपको सही लगता है, आपकी आप अपनी सोल के साथ जुड़ो, आप अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ो, वो आपको गाइड करेगी सही में, आप उसकी आवाज़ सुनो। जब आप उसकी आवाज़ के साथ जुड़ना शुरू हो जाओगे ना, तो वो आपको गाइड करती जाएगी, आप बिल्कुल सही पाथ पर चलना शुरू हो जाओगे। ठीक है, हम लोग जो कर रहे हैं, हमने जो वीडियोस बनाई हैं, हम अपनी जो अपनी सोल के साथ जुड़े थे, हमने जो एक्सपीरियंस किया, हम उसके हिसाब से आपको आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ये आपको रेजोनेट करे या आपको अच्छी लगे, बिल्कुल भी नहीं। और इस मकसद से मैं बना भी नहीं रही हूँ कि आप सबके साथ ये रेजोनेट करे या आप सब इन सब चीज़ों को आपके साथ ये जुड़े या आप इन सभी चीज़ों के साथ जुड़े या आपके साथ ही वैसा हो जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको खुद को खुद के साथ जुड़ना है। मैं सिर्फ ये गाइड कर रही हूँ कि इस जर्नी में ऐसा होता है और आपके साथ ही वैसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सबकी जर्नी अपनी अपनी है, हम सबके अपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, हमने अपनी अपनी जर्नी में अलग अलग तरह के लेसन सीखे हैं, वो भी अपने अपने तरीके से। आपने अपने तरीके से अपनी लाइफ में लेसन सीखे हैं, मैंने अपने तरीके से अपनी लाइफ में लेसन सीखे हैं। ठीक है, तो आपका उस लेसन को सीखकर जो तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपका खुद का है, मेरा अपना खुद का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमने बाहर निकलना है और प्रैक्टिकली होकर अपनी लाइफ को जीना है, वो भी पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।